अगर आप बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर और आपकी एज जो है वो आप हैं 16 साल से बड़े और 12th पास आउट, तो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज़ एन ह्यूज एंड ब्रेक एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू फुलफिल योर डिज़ायर। इंडियन आर्मी में वैकेंसी निकली है TES में, जो होता है टेक्निकल एंट्री स्कीम। अभी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे आप ये फॉर्म भर करके इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा आपको एंड तक। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम की अगर बात करी जाए तो ये वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके 10+2 में PCM है और जिनकी 70% से ज़्यादा मार्क्स है। मीन्स इसके लिए आपको 10+2 जो आपने करा है उसमें 70% मार्क्स होना अनिवार्य है। साथ साथ ये ऐसी स्कीम है जिसमें आपको जो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वेतन जो मिलता है वो यहाँ पर 34,000 से 44,000 के बीच में मिलता है। मीन्स 12th पास में आपको ऐसी जॉब प्लस देश सेवा प्लस आपके लिए एक बेनिफिशियल स्कीम। तो TES जो है वो इंडियन आर्मी का कैसा वेंचर है जहाँ पर आप जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं और आपको इस फॉर्म को भरना है जल्द से जल्द। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके लिए SSB होता है विदाउट एनी पेपर, विदाउट एनी एग्जामिनेशन। यू हैव टू जस्ट सिंपल अप्लाई। आपको एक भी रुपया फीस नहीं पड़ेगी और आपको यहाँ तक कि आने जाने का ट्रेन का टिकट भी मिलेगा। मींस यहाँ पर जो ट्रेन का टिकट मिलता है वो मिलता है 3 AC का। अगर आप जाते हैं 3 AC तक के तो आपको उसके पूरे पैसे आने और जाने के मिलेंगे जहाँ से भी आप आ रहे हैं, जो भी लोकेशन आपकी है। तो ये भी मौका है, यानी आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्म भरना है, इसकी फीस कितनी है 0 रुपये और आपको आने जाने का जो आपका खर्चा है वो भी कितना आएगा 0। सिर्फ आपको जाके वहाँ पर एग्ज़ाम अटेंड करना है। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता, यहाँ पर SSBs का प्रोसेस चलता है। साथ ही साथ कुछ इंटरनल एग्ज़ाम जैसे कि जहाँ पर आपका रीजनिंग का और सिंपल एग्ज़ाम्स होते हैं, पर आपका जो मस्ट कंटेंट है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए 10+2 में। और साथ ही साथ इसमें जो SSB ट्रेनिंग होती है वो 5 दिन के लिए होती है। आपको 5 दिन के लिए कहीं भी उनके सेंटर पे वो बुलाएंगे इंडियन आर्मी वाले और आपको वहाँ पर SSBs का प्रोसेस कराएंगे। 5 दिन का प्रोसेस ऐसा है कि आपको वहाँ पर रहना खाना फ्री मिलेगा, यानी फ्री एकोमोडेशन मिलेगी। और साथ में मैंने बताया आपको पहले भी कि टिकट जो है आपको आने जाने का फ्री मिलेगा। साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 5 दिन वही रुक पाएगा जो एंड तक सेलेक्ट होगा। मीन्स पहले दिन अगर आप पास हो गए तो आप 2nd दिन रुक पाएंगे, 2nd दिन पास हो पाए तो 3rd दिन रुक पाएंगे, 3rd दिन पास हुए तो 4th और 5th आप रुक पाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी कुछ ज़्यादा होता है, और फिजिकल क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं चाहिए कि आप बहुत हेल्थी हो, आपकी हाइट 6 फुट है और आपका वेट इतना है। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है तो इसमें हाइट और वेट एक नॉर्मल एवरेज है जो अमूमन सबकी होती है। साथ साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ जो SSBs में कुछ प्रोसेस होते हैं तो उसको आपको SSB के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी। टेक्निकल एंट्री स्कीम इज़ ए इंडियन आर्मी वेंचर वेयर यू गेट योर इंडियन आर्मी डिज़ायर फुलफिल्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, मैंने बताया पूरा कि इसको कैसे कैसे अप्लाई करना है और इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो पूरा इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और आपको अपडेट देता रहूं। को फुलफिल करने के 2 तरीके, एक अपना देसी तरीका जो कि है सरकारी रिजल्ट पर जाकर सिंपल उसको भरना, और दूसरा जो है इंडियन आर्मी के साइट पर जाकर उसको भरना। तो यहाँ पे हम सिंपल देसी तरीका दिखाते हैं आपको कि सरकारी रिजल्ट पे पहले आपको जाना है, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको जब उसका पेज ओपन हो जाए तो लेटेस्ट जॉब्स के सेक्शन में जाना है। उस सेक्शन में आपको दिखाई देगा इंडियन आर्मी TES 44 ऑनलाइन फॉर्म। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। उस नए इंटरफेस में आपको देखना है कि क्या क्या इसकी बारीकियाँ, क्या क्या खास बात है इस वैकेंसी की। तो आपको यहाँ देखिए लिखा है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स TES 44 रिक्रूटमेंट 2020। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, जो इसकी एप्लीकेशन बिगन होगी वो 10/8/2020 से बिगन होगी। जनरल OBC SC ST सबके लिए 0 फीस है, कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ पर। इसका जो मिनिमम एज लिमिट है वो 16 ईयर 6 मंथ है और मैक्सिमम एज लिमिट है 19 ईयर 6 मंथ। और बात की जाए यहाँ पर इसके में PCM बैकग्राउंड होना चाहिए प्लस 10+2 में आपके जो मार्क्स हैं वो 70% से अबव होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे PCM बैकग्राउंड जो है वो मस्ट है, कंपलसरी है, और एज लिमिट भी जो है वो काफ़ी कंपलसरी है। यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे जो जितने भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनको फुलफिल अगर आप करेंगे तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 19 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा है देन यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। सो माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट योर एज अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर्स। अब बात की यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई ऑनलाइन और डाउनलोड नोटिफिकेशन। बात की जाए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर आप पहुँच गए। ये तरीका है देसी वाला, जहाँ पर आप इसका OTP एंटर करके यहाँ पर इस वेबसाइट करेंगे। आप OTP एंटर करने के बाद आप इसकी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का मेनली वेंचर है। यहाँ पर देखिए इसके होम पेज जाने के बाद काफ़ी आपको सारे नए नए बार्स दिखेंगे, होम, अबाउट इंडियन आर्मी, लाइफ इन इंडियन आर्मी, ऑफिसर सिलेक्शंस।
पॉलिसीज़ आर्चीव स्टैंडर्ड्स फोटो गैलरी एंड यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है, देखिए यहाँ लिखा है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर 10+2 आर ओपन फ्रॉम 10th अगस्त, मीनस अभी जो इसकी डेट है वो 10 तारीख से शुरू होगा, यानी आज से शुरू हो जाएगी 12 बजे से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एनरोलमेंट, और इसको भरने के लिए आपको कई सिंपल सा एक अपना पोर्टल बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने नाम पते का, और उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस फॉर्म को फुलफिल करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और जब भी आप इसको ओपन करना चाहेंगे दोबारा तो यहीं से आपको लॉगिन आईडी एक मिल जाएगी, उस लॉगिन आईडी को आप एनरोल करेंगे फिर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा है यहाँ पर, इसका जो एनवायरनमेंट है पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे इसमें चाहिए आपको। देखिए यहाँ पर जो इसकी प्रिपरेशन स्टेज है वो लिखी हुई है कई सारी, कि चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद मेरिट लिस्ट एंड देन एनरोलमेंट एंड डिस्पैच ऑफ द सिलेक्शन कैंडिडेट्स फॉर द ट्रेनिंग। तो ये इसकी जो स्टेप्स हैं जी तक है यहाँ पर, देखिए इसे तो ये सारे स्टेप्स फॉलो होंगे यहाँ पर, और इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर ये लोग वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। तो इसको मैं आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई भी फ्यूचर के लिए भी आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से, कि जितनी वैकेंसीज आती हैं वो इसी इंडियन आर्मी के साइट पे आपको मिल जाएंगी, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट की हो या फिर किसी और पोस्ट के लिए हो या फिर TES हो या फिर कोई भी इंडियन आर्मी का पोस्ट होगी, तो वो आपको यहाँ पर इसकी साइट्स पर डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको साइट पे अपना एनरोलमेंट तो करना ही चाहिए, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को देखा होगा और इसको समझा होगा कि कैसे इसको फॉर्म को फिल करना है और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डिज़ायर है। और आई होप यू विल फिल द फॉर्म एंड यू विल गेट सेलेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड पर्टिकुलर टेक्निकल एंट्री स्कीम 44। सो टेक केयर, बाय बाय।